अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, एंड टू पोर्शंस में डिवाइडेड है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोर्शन विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली एक वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, सो व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन हमने 9th क्लास में मोशन के टाइप्स में वाइब्रेटरी मोशन पढ़ी थी। सो व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? इट इज द टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन। ठीक है, अबाउट इट्स मेन पोजिशन, या फिर आप इसे फिक्स पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। तो किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जो होगी उसे हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स को देखें, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ मास attached to a spring, जिसको हम आगे explain भी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें example ले सकते हैं motion of a simple pendulum, motion of a simple pendulum, जिसको हम आगे आने वाले lectures में study भी करेंगे, motion of a simple pendulum। तो ये तो हमने देख ली what is vibratory motion। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? हमने अभी अभी देखा, हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो अगर ये वाइब्रेटरी मोशन है तो क्या होगा? ये बी टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, बी टू एंड फ्रो मोशन, हम इसको वाइट कलर में लिख लेते हैं ताकि ऊपर कलर मिक्स ना हो। बी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज directly proportional to the displacement of the body, to the displacement of the body from the mean position, from the mean position and is directed towards the mean position, okay, and is directed towards the mean position. तो क्या कहा गया है इस पूरी डेफिनेशन में? टू एंड फ्रो मोशन है जो कि हमें पता है एक वाइब्रेटरी मोशन है, तो हमने इसे बोला टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। अभी आपको यहाँ पर इसकी समझ नहीं आएगी अच्छे से, जब हम इसकी एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, एक तो इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन, और इसके अलावा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है जिसमें थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ है। ठीक है,
अब हम इसके एक एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, विच इज मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है, उसके हमने एग्जाम्पल स्टडी करनी है. मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रही है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. यहाँ पर एक मास है जिसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और स्प्रिंग दूसरी तरफ एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच्ड है, ठीक है. और मास यहाँ पर मेन पोजीशन पर मौजूद है, जिसे हमने ओ का नाम दिया, और टू हमारे पास एक्सट्रीम पोजिशन हैं विच आर ए एंड पी. जब मास यहाँ पर मेन पोजीशन पर मौजूद है, तो ये रेस्ट पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है. रेस्ट पोजीशन पर है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स इसकी जीरो है. नेट फोर्स जीरो कैसे है, क्योंकि आप देखें इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एम जी है. और एक इस पर एक सर्फेस की तरफ से रिएक्शन फोर्स लग रही है विच इज अपवर्ड, ठीक है, जिसे हमने नेगेटिव एम जी का नाम दिया. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसका मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, यहाँ पर एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर मास रेस्ट पोजीशन पर मौजूद है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगी, एक्सेलरेशन जीरो इस तरह होगी क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब अगर फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है. तो ये हमने बात कर ली रेस्ट पोजीशन की, दैट रेस्ट पोजीशन पर हमारे पास नेट फोर्स भी जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, और एक्सेलरेशन भी जीरो है. अगर हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, मास पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसे हमने एफ एक्सटर्नल का नाम दिया, और हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसने इस मास को डिस्प्लेस किया, अपनी जगह से हटा दिया, ठीक है, और डिस्प्लेस किया और इसे मूव करवाया टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन ए, यहाँ तक, ठीक है. यहाँ पर इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है. और जब हमने यहाँ पर इसे मूव करवाया एक्सट्रीम पोजिशन तक, तो हमने यहाँ से फोर्स रिमूव कर दी, ठीक है. हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाई थी यहाँ से हमने उसे रिमूव कर दिया, हमने इस मास को छोड़ दिया. अब यहाँ से जब हमने इस मास को छोड़ा, तो ये वापस से यहाँ वापस मूव किया, ठीक है, मेन पोजिशन की तरफ मूव किया. क्यों मूव किया, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरफ से एक उस पर फोर्स लगी. कौन सी फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसने इसे रिस्टोर किया टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन, ताकि वो मेन पोजीशन पर वापस आए, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करे, ठीक है. तो इसलिए यहाँ से स्प्रिंग की तरफ से उस पर एक फोर्स लगेगी ताकि वो अपनी पोजीशन को बैलेंस करे, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करे, तो उसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया. लेकिन जब मास यहाँ पर मेन पोजीशन की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर वो रुका नहीं, वो आगे दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव कर गया. क्यों मूव कर गया, क्योंकि यहाँ पर बॉडी पर इनर्शिया भी तो एक्ट कर रहा है. इनर्शिया क्या होता है, कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. हमने तो यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, इसका मतलब बॉडी मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये मेन पोजीशन पर नहीं रुकेगी, ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएगी, ठीक है. जब ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी, फिर से इस पर फोर्स लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की तरफ से, ताकि ये वापस मेन पोजीशन की तरफ जाए, ठीक है. क्यों मूव किया, इनर्शिया की वजह से. इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ पर तो हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, ठीक है, यहाँ से तो हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, इसका मतलब बॉडी यहाँ पर मेन पोजीशन पर नहीं रुकेगी, वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएगी. जब यहाँ पर आएगी, तो इसका मतलब फिर से ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई है, यहाँ पर फिर से स्प्रिंग की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ताकि ये वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर सके, मेन पोजीशन पर जा सके, ठीक है. तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मैथ अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर लेता, ठीक है. तो ये था एक ओवरव्यू, मैंने इस डायग्राम का आपको एक ओवरव्यू दिया था. अब हम इसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है. हम इसको मैथमेटिकली स्टडी करते हैं. अगर हम मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, जिसने इस बॉडी को मूव करवाया, उसे डिस्प्लेस करवाया, ताकि वो मूव कर सके टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए. इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के. कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की. इसका मतलब जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ऐसे ही है. सो दैट्स वाई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है.
अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसे ही है, कांस्टेंट हमारे पास है के। के क्या है यहाँ पर, व्हाट इज के? इट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? इट मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, इट मेजर्स द स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करता है। जितना ज्यादा स्प्रिंग हार्ड होगा उतनी ज्यादा हमारे पास के की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उतनी स्मॉल हमारे पास के की वैल्यू होगी। ठीक है, सो के डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अब अगर हम बात करें रिस्टोरिंग फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। ठीक है, वो फोर्स जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। सो द फोर्स विच पुल्स और पुशेस द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजिशन, टुवर्ड्स मीन पोजिशन। ठीक है, वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजिशन की तरफ खींचेगी उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब यही फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो हमने फोर्स अप्लाई की थी मास के, उसके मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। सो सपोज करें यहाँ पर हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट है डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट करें विच इज के एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी रिस्टोरिंग फोर्स की? माइनस के एक्स। और यहाँ से ही अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि हमने पढ़ा दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास था एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर एम ए पुट करें, ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर हमने एम ए पुट किया विच इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स ओवर एम। अब यहाँ पे के भी हमारे पास कांस्टेंट है विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड मास भी कांस्टेंट होगा क्योंकि मास तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मास तो सेम ही रहेगा। सो दीज टू आर कांस्टेंट्स हियर। के एंड एम तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स हैं एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस कॉन्स्टेंट की जगह पर एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दें, ठीक है ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको वाज़े कर दिया दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजिशन। अब यहाँ पर हमने एक और बात करी थी दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखें रिस्टोरिंग फोर्स को देखें, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, यानी कि बॉडी की डायरेक्शन को वो हमेशा मेन पोजिशन की तरफ ही लेकर जा रही है। ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। अगर फोर्स डायरेक्टेड होगी मेन पोजिशन की तरफ, इसका मतलब फोर्स में हमने क्या पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की डायरेक्शन मेन पोजिशन की तरफ होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन मेन पोजिशन की तरफ होगी। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। अब हम इस होल मैकेनिज्म को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि जब बॉडी मेन पोजीशन पर थी तब हमारे पास क्या सिचुएशन थी, और जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव करके तब हमारे पास क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जब बॉडी मेन पोजीशन पर थी, मास हमारे पास मेन पोजीशन पर था। ठीक है, मास एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन ओ, जब मास मीन पोजीशन ओ पर था तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर जो नेट फोर्स थी, ठीक है जो नेट फोर्स थी वो हमारे पास जीरो थी, एक्सेलरेशन भी जीरो थी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी। ठीक है, जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगवाई, ठीक है
जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसका मतलब मास मूव कर गया टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन ए। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मोशन ऑफ मास, मोशन ऑफ मास टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजिशन ए। ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन ए। ओके, तो जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, अप्लाई की, इसको अप्लाई करने से क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस हुई। ठीक है, बॉडी डिस्प्लेस हुई एंड मूव्ड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन ए। ठीक है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजिशन नहीं लिखूंगी यहाँ पे, मैं सिर्फ ए लिखूंगी। ठीक है, सो बॉडी मूव्ड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन ए। अब यहाँ से हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो थी, एक्सटर्नल फोर्स थी, हमने रिमूव कर दी, इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। जब हमने ये रिमूव की तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्प्रिंग की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई। ठीक है, वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजिशन की तरफ खींचती है उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो स्प्रिंग की तरफ से एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई जो बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बॉडी को अपनी पोजीशन पर रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फ्रॉम स्प्रिंग टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ, टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ मास एंड कॉस्ट इट टू मूव, कॉस्ट इट टू मूव टुवर्ड्स मीन पोजिशन, टुवर्ड्स मीन पोजिशन ओ। ठीक है, एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई स्प्रिंग की तरफ से जिसने मास को मीन पोजीशन की तरफ मूव करने पर मजबूर किया। अब अगर बात करें जब बॉडी मूव कर गई मीन पोजीशन ओ की तरफ, तो जब बॉडी मूव करेगी मीन पोजीशन ओ की तरफ तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। क्यों स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि उस पर एक इनर्शिया भी तो एक्ट कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, दैट अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स हमने रिमूव कर दी, इसका मतलब बॉडी यहाँ पर नहीं रुकेगी, बॉडी दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन पर मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मोशन ऑफ मास, मोशन ऑफ मास टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम मीन पोजिशन ओ टू बी, फ्रॉम मेन पोजिशन ओ टू बी। ओके, तो ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी विल नॉट स्टॉप। ठीक है, बॉडी डज नॉट स्टॉप, डज नॉट स्टॉप एंड मूव टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजिशन बी, एक्सट्रीम पोजिशन बी। अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की, तो यहाँ पर जब बॉडी रेस्ट पर थी तो वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट लिख लें, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर पहले जब रेस्ट पर थी तो जीरो थी। ठीक है, रेस्ट पर तो वेलोसिटी जीरो थी, जब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पर आई बॉडी तो यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आई, यानी कि यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी जो हुई वो मिनिमम हुई। मिनिमम वेलोसिटी हुई क्यों वैसे, क्योंकि स्प्रिंग की तरफ से इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही थी जो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, अब जब हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव की टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, यहाँ पर वो बॉडी रुकी नहीं, वो एक्सट्रीम पोजिशन बी तक मूव कर गई। तो यहाँ पर इसका मतलब जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी, मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी। अब मैक्सिमम क्यों थी, क्योंकि जब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से जब मास मूव किया टुवर्ड्स द मेन पोजीशन तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो गई। डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि उसे लगा कि
मैस यहाँ पर अब मेन पोजिशन पर रुक जाएगा, तो उसने अपना काम करना छोड़ दिया, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नहीं तो वेलोसिटी को डिक्रीज किया हुआ था, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जब मास मूव करेगा टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजिशन विच इज पी, तो यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पर और मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशंस पर, और जब रेस्ट पर होगी बॉडी तब वेलोसिटी जीरो होगी। अब हमने देखा यहाँ पर बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन भी, लेकिन यहाँ पर भी बॉडी स्टॉप नहीं होगी, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी और वो उसे मूव करवाएगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, सो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ मास, सॉरी मोशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन बी टू मेन पोजिशन ओ। तो यहाँ पर हमने देखा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई, अप्लाइड फ्रॉम स्प्रिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई एंड मास मूव्ड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन ओ। अब आपको क्या लगता है जब मास यहाँ पर मीन पोजिशन ओ पर मूव करेगा तो क्या यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी तो उस पर इनर्शिया एक्ट कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया एक्ट करे इसका मतलब यहाँ पर भी बॉडी स्टॉप नहीं होगी, वो अनदर एक्सट्रीम पोजिशन यानी कि ए पर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो बॉडी स्टॉप नहीं होगी, बॉडी विल नॉट स्टॉप, बॉडी विल नॉट स्टॉप एट मीन पोजिशन एंड मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजिशन ए। तो इसी तरह ये मोशन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, मास बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसकी जब तक पोजीशन रिस्टोर नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, सो ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल जो हमने स्टडी की। अगर हम यहाँ पर इसकी इनर्जीज की बात करें, इनर्जीज को डिस्कस करें, तो जब यहाँ पर बॉडी मीन पोजीशन पर होगी, ठीक है, जब बॉडी मीन पोजीशन पर होगी, हमने बात की जब बॉडी मीन पोजीशन पर होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये मैं रेस्ट पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, जब बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, मूव करते हुए जब बॉडी मेन पोजीशन पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और इसी तरह जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मिनिमम हो जाएगी, और रिस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है, और मेन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स मिनिमम एट मेन पोजीशन। अब अगर हम इनर्जीज की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये हमने बात कर ली इनर्जीज की, अगर हम टोटल इनर्जी की बात करें तो टोटल इनर्जी सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमने देख ली इनर्जीज, अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि बॉडी को एक साइकिल अपना कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। एक साइकिल से मुराद ये है
कि बॉडी यहाँ से मूव की है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास बॉडी थी तो यहाँ से मूव की है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, फिर यहाँ से वापस आई और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, और यहाँ से वापस मेन पोजीशन पर आई, तो यहाँ पर आकर इसका दोबारा से साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ पर आकर इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो इसे टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे, और इसका जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो है 2 पाई इंटर रूट एम ओवर के। एम हमारे पास मास है एंड के हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसे एक साइकिल कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमारे पास टाइम पीरियड होगा। अब अगर देखें टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो यहाँ पर आप देखें जितना ज्यादा स्प्रिंग हमारे पास हार्ड होगा उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, ठीक है, और हार्ड अगर स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगा तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसके जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था, पर हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन और अ फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल्स हैं मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग जो हमने आज डिस्कस कर ली, एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टडी की, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन अब अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने इसकी एक एग्जाम्पल स्टडी की विच इज मोशन फॉर मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसमें हमने कहा दैट सपोज हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने अप्लाई की है मास पर, और इसने उसे डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई है विच इज एक्स, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया और यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट लगाया विच इज नोन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एंड व्हाट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इट मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, जितना ज्यादा स्प्रिंग हार्ड होगा उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतनी स्मॉल के की वैल्यू होगी। उसके बाद हमने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स व्हिच पुल्स और पुशेस द बॉडी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स एंड इट इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा ऑपोजिट होगी डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। यहाँ से हमने इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाली, और इसी तरह हमने यहाँ से एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। उसके बाद हमने इस पूरे मैकेनिज्म को डिटेल से स्टडी किया, अगर बॉडी मेन पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो नेट फोर्स जीरो होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो होगी एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए, और जब हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, ठीक है, हमने बॉडी को रिलीज कर दिया, मास को रिलीज कर दिया, तो यहाँ से स्प्रिंग की तरफ से एक फोर्स अप्लाई हुई मास पर विच इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, जिसने इसकी पोजिशन को रिस्टोर करने की कोशिश की ताकि ये मेन पोजिशन पर वापस आ सके, ठीक है। जब ये मेन पोजिशन पर आई, मेन पोजिशन पर नहीं रुकी क्योंकि इनर्शिया इस पर एक्ट कर रहा था। इनर्शिया क्या होता है? दैट अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से तो हमने एक्सटर्नल फोर्स मूव करती थी, इसका मतलब बॉडी यहाँ पर मूव करती रहेगी, वो यहाँ पर नहीं रुकेगी और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि बी तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जब बी तक पहुंचेगी तो यहाँ पर भी स्प्रिंग की तरफ से एक और रिस्टोरिंग फोर्स उस पर अप्लाई होगी ताकि वो वापस से मेन पोजीशन तक मूव कर जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटीज देखी कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है मास तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, और अगर मेन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी क्या होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर बॉडी होगी तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वेलोसिटी मिनिमम होगी, ठीक है, और अगर मेन पोजीशन पर आएगी बॉडी तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी स्मॉल हमारे पास वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जब बॉडी आएगी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर तो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो दोबारा से मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी और बॉडी अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर लेगी, तब तक बॉडी इसी तरह से बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा हमने इनर्जीज को डिस्कस किया कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मेन पोजीशन पर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर
मिनिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, अगर आप अच्छे से समझे यहाँ पर कि वेलोसिटी मिनिमम क्यों है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम क्यों है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको समझने की कोशिश करें यहाँ से कि वेलोसिटी मिनिमम क्यों है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर मास पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसी इसी वजह से वेलोसिटी मिनिमम है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। और टाइम पीरियड को अगर देखें तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2π√m/k। एम जो है वो हमारे पास मास है और के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, और टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।